नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोज दास मोर पेन मोर गेन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप देख पाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे। आज मैं आपको थाई एंड शोल्डर का एक्सरसाइज बताऊंगा। अक्सर लोग थाई को स्किप करते हैं क्योंकि इसमें दर्द होता है। मैं आपको बता दूं, आपका पूरा यहां से लेकर अपर बॉडी का स्ट्रेंथ एक तरफ और यहां से लेकर थाई का जो नीचे वाला स्ट्रेंथ है वो एक तरफ। अगर थाई आपका मजबूत हो जाता है तो आप हर काम में फुर्तीला रहेंगे, आप कोई काम को ना पीछे नहीं हटेंगे। तो मतलब जैसे लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जो घर पे आलस आता है, बैठे रहते हैं आप, उठने का मन नहीं करता है, थाई आपका मजबूत बन जाए ना, आप बोलोगे मैं चलता रहूं, मैं फिरता रहूं, मैं कुछ करता रहूं, तो थाई का एक्सरसाइज कभी आप स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके एक्सरसाइज में बताता रहूंगा, आप देखते रहिए और करते रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये था थाई प्लस शोल्डर का वर्कआउट। अगर आपके पास डंबल्स है तो वेल एंड गुड, अगर डंबल्स नहीं है आप वाटर बोतल से भी कर सकते हैं, आप ईट से कर सकते हैं, किस चीज से कर रहे हैं वो मतलब नहीं है, वर्कआउट से मतलब है, आप वर्कआउट कंटिन्यू रखें। दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करें।